वेलकम टू कानून रिसर्च। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आए हैं और ये जजमेंट है दोस्तों कि अगर हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिसर्जन। डिसर्जन दोस्तों ये ग्राउंड है डाइवोर्स का। इसमें क्या होता है कि पत्नी ने पति को छोड़ दिया है काफ़ी टाइम से, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, तो इसके बेसिस पर हस्बैंड जो है वो डिसर्जन के बेसिस पे डाइवोर्स फाइल करते हैं और उन्हें डाइवोर्स मिल जाता है। तो ये ग्राउंड है डाइवोर्स का। तो इस केस में वाइफ को मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, अगर वाइफ जो है वो 125 CRPC के अंडर मेंटेनेंस मांगती हैं, तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे। दोस्तों डिसर्जन के ऊपर मैंने और भी एक वीडियो बनाई है, अगर आप डिसर्जन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और उसी में कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा गया था कि इस केस में मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, तो इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सा पॉइंट हमारे कब काम आ जाए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी, आप अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसी लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। और दोस्तों मैं और एक बात कहना चाहूंगी, जो आप कमेंट्स करते हैं, जो कमेंट्स करके आप हमारी वीडियोस को सराहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उससे काफी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों ये जो डिसर्जन है डाइवोर्स का ग्राउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम हमारी तभी स्टार्ट होती है जब वाइफ जो है वो ससुराल छोड़ के मायके चली जाती है विदाउट एनी रीजन, और बहुत टाइम हो जाता है, कई बार सालों गुजर जाते हैं। तो अगर 2 साल या 2 साल से ज़्यादा हो जाते हैं तो हस्बैंड इसके बेसिस पे डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं और उन्हें डाइवोर्स मिल जाता है इसके इस ग्राउंड के ऊपर। दोस्तों तलाक के आधार के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो अगर आप इसके बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसके बारे में सारे तलाक के जो आधार हैं वो आप उसमें जानकारी उससे ले सकते हैं। इस केस में दोस्तों वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया था काफ़ी लंबे समय से, तो हस्बैंड ने डिसर्जन के बेसिस पे डाइवोर्स के लिए फाइल करा और उसे डाइवोर्स मिल गया, उनका डाइवोर्स हो गया। अब यहाँ पे वाइफ जो है वो मेंटेनेंस मांगती है 125 CRPC के अंडर। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि सेक्शन 125 CRPC के सब सेक्शन 4 में के अंडर ये कहा गया है कि अगर वाइफ अपनी मर्जी से बिना किसी कारण के अपने ससुराल को छोड़कर कहीं और रहती है, मायके या कहीं और जहाँ भी वो रह रही हैं, तो वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती हैं, हस्बैंड मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं होंगे। तो ये गाइडलाइन जो है इस सब सेक्शन में दी गई है। अब लेकिन दोस्तों इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि अगर डिसर्जन के बेसिस पे डाइवोर्स हुआ है हस्बैंड वाइफ का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वाइफ का मेंटेनेंस का हक उससे छीन लिया जाए। वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज उन्होंने हस्बैंड को छोड़ दिया तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती हैं। अगर उनका डाइवोर्स हुआ है डिसर्जन के बेसिस पे तो वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है, लेकिन हाँ हस्बैंड जो है वो मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं इस जो सबसेक्शन के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी आपको बताया सेक्शन 125 CRPC के सबसेक्शन 4 के हिसाब से वो मेंटेनेंस के ऑर्डर को हस्बैंड चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। जैसे कि मान लीजिए अगर वाइफ का किसी और के साथ रिलेशन है या फिर उन्होंने रीमैरिज कर ली है, तो वो इसके बेसिस पे जो तय किया हुआ मेंटेनेंस है वो बंद करा सकते हैं, जो वाइफ को जो मेंटेनेंस होगा वो नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ वो कोर्ट में रख सकते हैं। लेकिन जस्ट इसके बिहाफ पे कि भाई डिसर्जन के बेसिस पे डाइवोर्स हुआ है और इसी के बिहाफ पर हस्बैंड लायबल ना हो वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो दोस्तों इस केस में भी हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला दिया कि वाइफ को जो भी मेंटेनेंस तय किया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा वो दिया जाए, जस्ट डिसर्जन के बेसिस पे जो डाइवोर्स हुआ है इसके बिहाफ पे हम मेंटेनेंस को कैंसिल नहीं कर सकते, वाइफ का पूरा पूरा अधिकार है मेंटेनेंस मांगने का। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ डिसर्जन को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर आपके जो भी डाउट्स हों वो क्लियर हुए हों इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अगर ऐसा है, ये वीडियो आपके यूजफुल हो, हेल्पफुल हो, तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक या लीगल जजमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।